श्री कृष्ण का कलयुग में अवतार हुआ, किस रूप में हुआ? नाम रूपे। ये भगवान का नाम और भगवान कृष्ण अलग नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का नाम और भगवान श्री कृष्ण अलग नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते सर्व जगत, नाम हैते है सर्व जगत निष्ठार, सारे जगत का निष्ठार कल्याण, नाम लेते लेने पर सर्व जगत का निष्ठार होगा, हमारा हमारे आजू बाजू जो भी हैं उनका। इसलिए हरि नाम ऊंचे स्वर से करना चाहिए, हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप ऊंचे स्वर से करना चाहिए। तो ये मंत्र कली युग का मंत्र हमने देखा कलीय संतरण उपनिषद में। तो श्री राम राम रमेति रामे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानना पार्वती जी, शंकर भगवान बोल रहे हैं कि हे विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार रटन, हजार नाम विष्णु सहस्त्र, हजार नाम का रटन आप हजार बार करो तो राम नाम का एक विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु का हजार नाम। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, हरे राम 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 हरे हरे चार बार आता है, तो 4000 विष्णु नाम जप हमने कर लिया। और सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिय आवृत्या तु यत फलम एकावृत्यस्तु कृष्णस्य नामैकं तत्प्रयच्छति ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में कहा है कि 3000 विष्णु के नाम बराबर एक कृष्ण का नाम, अर्थात विष्णु नारायण राम कृष्ण नाम एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन नाम में नाम में जो गुण है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पोटेंसी उनकी शक्ति अलग अलग बताई है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, किसी को हम उनका नाम सुरेश करके बुला सकते हैं, उनको हम इंडियन करके बुला सकते हैं, उनको हम व्यापारी करके बुला सकते हैं, स्टूडेंट करके बुला सकते हैं, लेकिन सुरेश ये उनका मुख्य नाम है। व्यापारी भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, भारतीय भी हैं, लेकिन सुरेश। उसी तरह सहस्त्र नाम उनकी अलग अलग गुण धर्म के मुताबिक उनके नाम सहस्त्र, लेकिन कृष्ण उनका मुख्य नाम है, राम उनका मुख्य नाम है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में जब हम करते हैं जप तो कृष्ण 4 बार आता है, राम 4 बार आता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम हमने कितनी बार कर दिया। तो ये शक्ति है, मंत्रों में शक्ति होती है।